अगर पत्नी साथ रहना भी नहीं चाह रही और मेडिएशन में आपसे पैसा की डिमांड कर रही है, जी हाँ दोस्तों, पत्नी आपके साथ भी नहीं रहना चाह रही और मेडिएशन में आपसे पैसों की डिमांड कर रही है कि हमको पैसा दीजिए, हम आपके साथ भी नहीं रहना चाह रही, ठीक है दोस्तों, और आपने सेक्शन 9 कर दिया है, ठीक है, सेक्शन 9 आपने कर रखा है, तो क्या कोर्ट उसे बाउंड कर सकता है कि भाई आपको पति के साथ रहना जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के साथ, एक आए दिन प्रॉब्लम रहती है, आए दिन कमेंट भी रहते हैं कि सर मैम काउंसलिंग में जाते हैं, CWCL में जाते हैं, मेडिएशन में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं हम लोग, वहाँ पर पत्नी मना कर देती है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमको आपसे दूर रहना, लेकिन डिमांड रखती है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख इस टाइप की, ठीक है। तो दोस्तों फिर आपने भी सेक्शन भी 9 भी कर रखा है, तो क्या पत्नी को कोर्ट बाउंड कर सकता है इस तरीके कि भाई आपको कंपलसरी पति के साथ नहीं पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों, इसको वीडियो छोटा भी रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए, अगर आपने सेक्शन 9 किया है, ठीक है, आपने सेक्शन 9 किया है और काउंसलिंग में आपकी मैडम, आपकी पत्नी है जो कह रही कि भाई मुझे तो आपके साथ रहना ही नहीं, कोई रीजन ही नहीं है प्रॉपरली, कोई कन्वेंशन उसके पास प्रॉपरली कोई रीजन नहीं है, ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट तो ये हो गया आपके लिए। अब मान लीजिए आपके पक्ष में सेक्शन 9 हो गया, 1955 की धारा सेक्शन 9 आपके पक्ष में आ जाता है, एक्सपायर्टी होकर आपके पक्ष में आ गया, ठीक है, फिर भी कोर्ट क्या उसे बाउंड कर सकता है पत्नी को कि आपके साथ रहना जरूरी है? देखिए, कोर्ट या पुलिस कभी भी बाउंड नहीं कर सकती किसी को भी कि भाई आप इसके साथ रहना जरूरी है, आपकी पत्नी इसको लेके ही जाओ, या पति पत्नी को कह सकता है कि आपको रहना जरूरी है, बाउंड कर सकता है, किसी तरह से प्रेशर नहीं डाल सकता, ओनली फॉर कह सकता है, कोर्ट भी आपको कह सकता है कि भाई आपके पास कोई कन्वेंशन प्रॉपरली, आपने कोई रीजन है ही नहीं, तो आपको जाना पड़ेगा अपने पति के साथ, या फिर पत्नी को पति लेके नहीं जा रहा तो पति को करना पड़ेगा, भाई आपकी पत्नी को लेके जाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए ज़बरदस्ती कि मुझे रखना ही नहीं है, आप पति कर रहे हो कि भाई मेरी पत्नी का इस तरह का है, मैंने सेक्शन 9 किया, पत्नी आना ही नहीं चाह रही है, पैसे की डिमांड कर रही है, मतलब तलाक भी नहीं देना चाह रही, मेरे साथ रहना भी नहीं चाह रही और मेरे से पैसे की डिमांड कर रही है, उस कंडीशन में आपका सेक्शन 9 के भुगतान उसे भोगना ही पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास सेक्शन 9 की डिग्री है तो वो एक स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड बन जाता आपको पैसा मेडिएशन में नहीं देना, आपको ना ही काउंसलिंग में पैसा देना, आपको उस बेस पे, ग्राउंड बेस पे, सेक्शन 9 का जो ग्राउंड होता है उस बेस पे आपको एक्सपायरी ड्यूस्ड 100% मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 9 आपने किया है, देखो मैं हमेशा आपको सेक्शन 9 के लिए फोर्स करता हूँ, भाई सेक्शन 9 हर हस्बैंड को करना चाहिए, चाहे वो केस हो गया उससे पहले, चाहे केस ना हुआ उसके बाद में, देखो केस हुआ उससे पहले बाद में कर रहे हो तो भी आपको एक्सपायरी ड्यूस लेने में, मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी चीज़ों में आपको स्ट्रॉन्गेबल रहेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपकी वाइफ आपके पास नहीं रहना चाह रही, कोर्ट भी आपके एक्सपायरी सेक्शन 9 आपके पक्ष में आ चुका है, उसके पास कोई प्रॉपरली रीज़न है ही नहीं, कन्वेंशन वह उसने कोर्ट को की नहीं है किसी भी तरह से, वह कोई उसके पास रीज़न ही नहीं है प्रॉपरली अलग रहने का, पति से अलग रहने का, ठीक है, उस कंडीशन में आपको 125 में भी उसको बेनिफिट मिलेगा आपको। आप उसके पास जब कन्वेंशन करने का, देखो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि बिना कारण से आप पत्नी को, चाहे वो जॉब करे चाहे जॉब नहीं कर रही हो, कुछ भी नहीं करती हो, सभी के लिए है, बिना कारण, कोई भी कारण है ही नहीं पत्नी के पास और फिर भी वो आपसे दूर रह रही है, उस कंडीशन में आपको सेक्शन 9 का ग्राउंड बना के एक्सपायरी तलाक ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कहते हैं कि सर मेरी पत्नी मुझे तलाक देना ही नहीं चाह रही, कहते ना ना तो तलाक देती है ना मेरे साथ रहती है, उस कंडीशन में भी आपको सेक्शन 9 का एक स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड बनेगा और बर्डन ऑफ प्रूफ का भार आप पे ना जाके पत्नी पे चला जाएगा। इस वजह से मैं हमेशा गाइड करता हूँ आपको, आप लोग हमेशा सेक्शन 9 तो जरूर करना, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 के तहत आपको सेक्शन 9 सभी हस्बैंड को करना चाहिए, हर एक किसी हस्बैंड को, चाहे उस पर 490 केस हो गया या 125 का हो गया या नहीं हुआ, उससे पहले आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी केस कर सकती है, उस सिचुएशन में आपको सेक्शन 9 करना ही चाहिए, इसका आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट होता है। इस वजह आप लोगों को मेडिएशन हो गया या वहाँ पे CAWCL या कहीं भी समझौता कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वहाँ पे पैसे की डिमांड करी, तो पैसा ना दे के आप सेक्शन 9 करके एक्सपायरी करके तलाक जरूर ले लें, बाकी पैसा ना दे बिल्कुल भी। जब उसके पास रहना नहीं चाह रही हो, प्रॉपरली आपके साथ रह नहीं रही, कोई कन्वेंशन उसके पास प्रॉपरली रीजन नहीं है, आपने किसी प्रकार से उससे मारपीट नहीं की, किसी कोल्टा या फिजिकली कोई भी आपने कोई किया नहीं और वो बिना कारण दूर रहना चाह रही है आपसे, तो फिर आपको उसे किसी भी प्रकार से कोई भी मेंटेनेंस नहीं देना है, आपको सेक्शन 9 करना है, वही एक ग्राउंड बनेगा, क्योंकि सेक्शन 9 के बेस पे अगर आप लोग तलाक लोगे तो स्ट्रॉन्गर बर्डन ऑफ प्रूफ का भार वाइफ पे जाएगा, आप पे नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी पता है कि भाई वह आई नहीं, आपने रखना चाहिए, जब रही नहीं रही तो फिर आपके पास तो ऑप्शन यही है ना कि आप तो तलाक दे सकते हो ना उसको,
उस सिचुएशन में आपको बर्डन ऑफ प्रूफ 103 एविडेंस एक्ट की धारा 103 होती है, वह का बर्डन ऑफ प्रूफ का भार सबूतों का भार जो होता है वह पत्नी पे चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो जो बार होगा बर्डन ऑफ सबूत का, उसको रीजन ऑफ कन्वेंशन करना पड़ेगा, कोर्ट में आके प्रॉपरली रीजन देना। देखो बिना प्रॉपरली रीजन तो कोई रुक नहीं सकता, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, लेकिन ये बाउंड कोई भी नहीं, हस्बैंड और वाइफ दोनों को बाउंड कोर्ट भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इस विषय में कहता हूँ कि सेक्शन 9 हमेशा करिए। आई होप आपके ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, जो आपके छोटे मोटे डाउट रहते हैं उसी के बेस में मैं छोटे छोटे वीडियो लाऊंगा आपको, लेकिन छोटे छोटे आपके सब कुछ डाउट रहेंगे क्लियरली करता जाऊँगा एक एक टॉपिक में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।